is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 6 बज रहे और कल रात को हम लोग बहुत ही लेट सोए थे क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको हम लोग सुला रहे थे, लेकिन वो रात को 1 बजे जग गया था और फिर तो वो 2-3 बजे तक जगा था, लेकिन फिर भी मैं 6 बजे उठ गया था आज और अभी जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ से। और साथ में इतना आज बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी सो सोचा बाहर जाते हैं, वरना मैं इधर ही घर पर ही मैं वॉक करता हूँ। And I can feel the sun on my skin beginning to fall from within. Today and not tomorrow. तो फाइनली अभी 30 मिनट का वॉक हो गया, जो मेरे घर के पास में एक गार्डन है वहाँ मैं गया था, वहाँ मैंने लगभग 30 या 40 मिनट तक वॉक किया और बच्चे भी सारे बहुत ही मस्ती कर रहे थे। और अभी घर जा रहा हूँ। अभी अभी कल रात को ही बारिश हुई थी सो पेड़ पौधों को भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। कल रात को ही मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि जस्ट सुबह सुबह ही ख़त्म हुई। This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny. सुबह के 7 बज रहे हैं और ये उठ गई है और उठने के साथ ही हंस रही है। इसका स्माइलिंग फेस देखो, क्या देख रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। But they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was. Good morning, this one. Yes, सुबह ना हो। हाँ? बटेटा पुमा। तो यहाँ पर बटाका पुमा की तैयारी चल रही है। तो मम्मी इधर बना रही है बटाका पोहा, तो उसमें उन्होंने लिया है सो उसके लिए लिया है थोड़ा ऑनियन, पोटैटोस, नीम के पत्ते, हरी मिर्च, सिंगदाना। और अभी इधर राई चढ़ रही है तेल में। तो उसमें जाएगा उसके बाद सिंगदाना राई के बाद, उसको फ्राई कर लेना है। सिंगदाना फ्राई हो जाने के बाद उसको ऐसे निकाल लेना है, उसको लास्ट में डालेंगे, उसको हम लोग बाद में डालेंगे ऊपर से। नीम का पत्ता, पहले नीम का पत्ता यहाँ पर फूट रहा है, उसके बाद जाएगा हरी मिर्च, उसके बाद जाएगा पोटैटो, और फिर ऑनियन, उसके बाद अब बारी है हल्दी की और थोड़ा नमक, मिर्च, इसको थोड़ी देर पकने देना है सो उसके ऊपर हम लोग ढक देंगे। इधर हो रही है चाय और जैसे ही ये पक जाता है उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़े भीगे ऑयल किए हुए ये पोहे और थोड़ा ही शुगर,
और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा डालेंगे लेमन जूस और टमाटर, उसके बाद थोड़ा धनिया, और जो हमने पहले ये फ्राई किए थे वो चुन लेंगे। और इधर बेटा का पुआ रेडी है। सो मैं, मम्मी और ये चांदनी दीदी, गुड मॉर्निंग। चाय नाश्ता चल रहा है और ये ख्वाहिश इधर सो रही है। तो जी, दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज हमारा दोपहर का खाना जल्दी कंप्लीट हो गया है। जनरली क्या होता है कि हम दोपहर को खाना खाते हैं तो ये सारी चीज़ें 2 बजे तक हम लोग फ्री नहीं हो पाते, लेकिन आज हमारा खाना जल्दी हो गया था सो हम लोग 1 बजे फ्री हो गए। और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका हम लोग क्या नाम रखें ये चीज़ें सोच रहे थे। जनरली उसकी राशि मकर आई है तो ज और ख से उसका नाम सोच रहे थे, लेकिन अभी तक हमने कोई उसका ऑफिशियल नाम नहीं रखा है। लेकिन मुझे पर्सनली उसका नाम ख्वाहिश पसंद है, सो सोच रहे हैं कि ख्वाहिश रखे या फिर मैं तो उसको ख्वाहिश ही बुलाता हूँ। सो सोच रहे थे अभी कि ख्वाहिश का हम लोग फ़ोटोशूट करें क्योंकि आज उसका 16th डे है बॉर्न के साथ। सो हम लोग सोच रहे थे कि अभी बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं जब वो सो जाती है, तब उसको हम लोग रैप करके कुछ बैकड्रॉप्स या ये सारी चीज़ें लगा कर फ़ोटोशूट करें। सो अभी देखते हैं उसका मूड कैसा रहता है और फोटो शूट करने देती है या नहीं करने देती है। ये इसके लिए नया एक्सपीरियंस था सो वो बहुत ही रो रही है, लेकिन अभी इसको कुछ खिलाना पड़ेगा, उसके बाद वो सो जाएगी तभी उसका फोटो शूट हो जा पाएगा। अभी इसको सुलाने का प्रयास चल रहा है लेकिन वो सो नहीं रही है। तो जी, शाम के बज रहे हैं 7 और हमने दोपहर में आज ख्वाहिश के कुछ फ़ोटोज़ निकाले थे, इतने ज़्यादा नहीं निकालने दिए थे। पहले स्टार्टिंग में तो वो रोने लगी थी लेकिन बाद में हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाले थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, वो आने वाले दिनों में मैं आपको एडिटिंग हो जाएगा तब दिखाऊंगा। और देखते हैं मम्मी ने किचन में आज खाने में क्या बनाया है। क्या बनाया मम्मी? गैस बनाने के लिए जो खबजा दिया। ओके, सो गैस बनानी है और वड़ा। गैस और वड़ा बनाने हैं और मम्मी वड़ा बनाने के लिए गेहूँ का लोट ले रही है, बाजरे का लोट, बाजरे का आटा, मरचाने पेस्ट, उसके बाद उसमें जाएगा ये पेस्ट मरचे की, उसके बाद थोड़ा शुगर, तल, ये तल, वरियाड़ी, कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी, दही, ये जा रहा है दही, बाद जाएगा थोड़ा मिर्च, अदरक, धाना जीरू, मीठू, छाछ के रूप बंद हो, उसके बाद उसमें जाएगी छाछ, ये आटे को बहुत अच्छी तरीके से गूंद लेना। हो गया है मिक्स होके। ओके, सो लोट रेडी हो गया है, अब इसको ढक देंगे। इसको ढक देना है थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। सो लोट अच्छी तरीके से गूंद जाने के बाद इसको ऐसे टिपते हैं हाथ से, ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है जो हमने घर के पीछे बनाया है और आज मम्मी उसमें ये फ्राई करने वाली है। जब तेल आ जाएगा तब, इधर बंदर आए हैं सारे और इधर हम लोग बना रहे हैं ये वड़ा। जैसे ही वो तेल आ जाता है इसके बाद हम लोग एक एक करके उसको फ्राई करेंगे।
सो ये वड़ा बन के फ्राई होके रेडी हो गए। अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे जैसे गैस रेडी हो जाता है। गैस जो है वो अंदर के किचन में हो रही है, वो भी जब रेडी हो जाएगी तब हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। बंदरों की भी फौज इधर आ गई है, मोस्टली हर शुक्रवार को आते और शनिवार की रात इधर रहकर जाते। तो आज शुक्रवार है सो ये लोग भी आ गए। कल मॉर्निंग में तो इतना धमाल मचाएंगे पूरी सोसाइटी में कि सबके किसी के व्हीकल किसी के झूले तोड़ देंगे। देख सकते हो कितने छोटे छोटे बंदर है। तो जी शाम के बज रहे 8 और अभी मैं ये व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और व्लॉग एडिट होने के बाद ही अपलोड होने के लिए रखूंगा। आज के दिन में बस इतना ही था। ये व्लॉग पसंद आया तो जरा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।